वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल पर सुनवाई जारी है। ईडी के पास डायरेक्ट कोई सबूत नहीं है, ये कहना है अभिषेक मनु सिंह भी। अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, जो थोड़ी देर पहले कोर्ट में दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से दे रहे थे। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वकील दलील दे रहे हैं। हालांकि ईडी ने उस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर 3 वकील कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के लिए दलील क्यों दे रहे हैं। कोर्ट में केजरीवाल के वकील सिंह भी बहस कर रहे थे। उसके बाद विक्रम चौधरी ने बहस शुरू की और अब इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त भी लगातार जो बहस है वो जारी है और अब रमेश गुप्ता ने बोलना शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ राहुल प्रकाश हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सीधा राहुल आपके पास आऊंगी। अभी तक क्या क्या हो गया है? 1:50 पर यह अपडेट आया था कि ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट लेकर जा रही है। तमाम जो लंबा समय बीत रहा है, 3 वकील अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें दे चुके हैं, अब तक क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? क्या इस तरफ बढ़ा जा रहा है क्या कि कोर्ट इन वकीलों की बात से संतुष्ट हो पा रही है? देखिए, जो घटनाक्रम रहा है उस घटनाक्रम से जुड़े जितने आरोपियों को पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और उसके बाद जो जांच का सिरा सीधे तौर पे कहा जाए कि दिल्ली के मुखिया जो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री और कहा जाए कि मुख्यमंत्री, उनके ऊपर सीधे तार जुड़े थे, तो उनकी गिरफ्तारी तक का जो लगातार समन भेजा जा रहा था और उसी बात का जिक्र ईडी ने अपने तमाम उन रिमांड कॉपी में किया था और उसका जो फैक्ट उसमें बताया कि चैट्स हैं, गवाहों के बयान हैं, कहाँ कैसे पैसा इधर से उधर गया, वो तमाम जिक्र किए गए, जिसका विरोध जो है कहा जाए कि 3 वकीलों ने किया, जो यानी केजरीवाल जी की तरफ से जो पेश हुए थे, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील दी, विक्रम चौधरी और दूसरी तरफ रमेश गुप्ता जो अब दे रहे थे, जिन्होंने ये भी कहा है लास्ट में कि रिमांड की जो मांग की गई है उसको खारिज किया जाए। कारण क्या है कि अगर आपने पहले ही मान लिया है जो इस तरीके से जो सबूत आपने पेश किए हैं, जिस बिना पर आपने गिरफ्तारी की है गवाहों के बयान पे, अगर आप पहले दोषी साबित कर दिया है तो रिमांड की और गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या है? यानी इस तरीके की बातें दलील जो हैं दी गई हैं, लेकिन सीधे तौर पर जो कोर्ट का रुख क्या रहेगा, किस बात से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि अब तक आप ये समझना चाहें कि पूरी सीक्वेंस में ईडी का जो काम रहा है, जो अब तक कनेक्शन रहा है आबकारी नीति से जुड़े तमाम लोगों का, वो सीक्वेंस को कनेक्ट करते हुए जब दिल्ली के मुख्यमंत्री तक ईडी पहुंची तो वो तमाम कनेक्शन उसमें दिखाया गया है, यानी रिमांड कॉपी में। अब कोर्ट उसको देखकर किस तरीके की संतुष्टि या रिमांड कितने दिन का देता है या रिमांड खारिज करने की जो बात की गई है सीएम केजरीवाल के वकीलों की तरफ से, क्या उस पर संज्ञान लिया जाता है, मान के ये चल के जाया जा रहा है कि अब तक जो कोर्ट में दलील ईडी की तरफ से दी गई है वो पूरे प्रकरण के गवाह और चैट्स या तमाम सबूत के हिसाब से रिमांड मांगी गई है। उम्मीद ये की जा रही कि इसमें रिमांड जरूर मिलेगा, ये संभावित है क्योंकि कोर्ट का निर्णय है, क्योंकि कोर्ट क्या निर्णय लेता है ये देखना होगा, लेकिन ये जरूर है दलीलों का दौर था, उसका विरोधाभास भी देखा गया, कहा गया कि ये जिस तरीके का इनका ईडी का रिमांड मांगने का तरीका है और जिस तरीके से पूरा प्रकरण जिसमें दिखाया गया सीधे तौर पे दोषी मान रहे हैं, इसलिए जैसे आप गिरफ्तारी करना चाहते हैं उसकी कहाँ जायज़ थी, यानी कई ऐसी चीज़ें थी, तो लग रही हैं कि तीनों वकीलों की तरफ से ये तमाम दलील दी गई हैं। हालाँकि ईडी के वकील की तरफ से 3 वकीलों का विरोध किया गया कि 3 वकील पेश हो रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि अब तक की जो तस्वीर में देखा गया है दलीलें दोनों तरफ से दी गई है, फैसले का इंतजार है कि उसमें क्या आता है कि कैसे। राहुल आप हमारे साथ बने रहिए, इस बीच हम आपको वो बयान सुनवा देते हैं। अभिषेक मनु सिंह भी जब कोर्ट रूम से बाहर निकले और लॉबी में पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको पहले सुनवा देते हैं। What I have to say, I have said in court, I don't want to engage on cameras. Sorry, thanks a lot. But again, sir, again, you just have a best. Again, we feel that he's a kingpin. Give me credit for so much. You spent so much time with me over the years. Thank you, sir. It's so easy to trap me with your clever questions. तो अभिषेक मनु सिंघवी जब लॉबी में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो जो कहना चाहते थे वो उन्होंने कोर्ट रूम में कह दिया है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। जब अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम कोर्ट लेकर पहुंची तो अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि मैं अंदर रहूं या बाहर, मैं देश की सेवा करता रहूंगा। तो 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। इस वक्त जो है वो ईडी की कोर्ट से रिमांड लगातार ईडी कोर्ट से रिमांड मांग रही है, 10 दिनों की रिमांड मांग रही है। इस वक्त भी सुनवाई जो है वो कोर्ट में जारी है। और इस पूरे मामले पर अब से थोड़ी देर पहले मैंने मनोज तिवारी से बातचीत की थी, सीधा आपको वो सुनवा देते हैं।